तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर्स क्या कहता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूजेस क्या कहता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर्स क्या कहता है और भी बहुत कुछ। सो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। The past indefinite tense is a grammatical tense that expresses an action or state that was completed in the past. So past tense वो tense है जो चीज़ जो कार्य past में खत्म हुआ हो उस अवस्था को और कोई भी ऐसे action को बताता है। In English, the past tense is formed by adding ed to base form of well irregular verbs have their own unique past tense forms. Past tense बनता है base form में ed लगकर और ये ed लगने का काम regular verb में होता है और irregular verb का उसका अपना ही एक unique form होता है past tense में बनने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ पास इंडेफिनिट टेंस। द फर्स्ट यूज इज व्हेन पास शोइंग टाइम यस्टरडे अगो लास्ट एक्सेट्रा इज गिवन इन द सेंटेंस। कोई भी ऐसे टाइम दिखा रहा हो जिसमें यस्टरडे लिखा हो या अगो लिखा हो या लास्ट लिखा हो, जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं या कोई भी आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो उस समय अगर आपको ये इस तरीके का टाइम एक्सप्रेशन आपको दिखाई दिए तो समझ जाइए कि ये पास टेंस में है। जैसे आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल आपका पत्र मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही पास द मेट्रिकुलेशन एग्जाम इन लास्ट ईयर, उसने पिछले साल मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। सो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इन सेंटेंसों में यस्टरडे और लास्ट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है। टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन और इवेंट, कोई भी पास्ट में घटा हुआ कोई भी एक्शन कोई भी कार्य या कोई भी एक घटना बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ मैनी डियर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में बहुत सारे हिरन देखे। नेक्स्ट इज एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जो मैंने डियर देखने का काम था वो अतीत में था या पास्ट में था, ठीक है। जो ये कार्य कब की बता रहा है, जो बीत चुका है उस समय को बता रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर एडिसन एक साइंटिस्ट, ठीक है, उसने ग्रामोफोन को इन्वेंट किया था, ये बहुत साल आगे की बात है। इस तरीके का एक्शन या इवेंट को बताने का काम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस अ हैबिट और कस्टम इन द पास्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट यूज़ क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, किसी का कोई हैबिट रहा हो या किसी का कोई एक कस्टम हो, किसी कम्युनिटी का कोई एक कस्टम हो, इस तरीके का हैबिट या कस्टम को पास्ट में एक्सप्रेस करने वाला टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। द आर्यंस बिलीव्ड इन द वननेस ऑफ गॉड, आर्य लोग ईश्वर के एकता में विश्वास करते थे। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि गांधी जी का एक आदत था पास्ट में कि वो सच बोला करता था, राइट, उसी तरीके से आर्य वननेस ऑफ गॉड में बिलीव किया करता था। तो उन लोगों का ये कस्टम था, आर्य एक द आर्यंस एक कम्युनिटी है, राइट, तो ये सारे कम्युनिटी की एक कस्टम था कि वननेस ऑफ गॉड में विश्वास किया जाए। टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्टेटेड, यहाँ पर ये जो कोई एक पास्ट में एक कार्य चल रहा हो और उसको उसको सपोर्ट करने के लिए बोलिए या उसको एक तरीके से क्वालिफाई करने के लिए बोलिए, वहाँ पर भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर शी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, मैं जब उसका घर गया तो वह टेलीविजन देख रही थी। वेल गीता सैंग सीता डांस, जब गीता गाती थी तब सीता नाचती थी। तो यहाँ पर पास्ट में देखिए अब वह टीवी देख रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर टीवी देख रही थी जो देखने वाले एक्शन जो है उसको सपोर्ट करने के लिए या तो उसको जो देखने वाला काम है उसकी समय को बताने के लिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जब वो टीवी देख रही थी कब देख रही थी वो, जब मैं उसका घर गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑनगोइंग एक्शन के टाइम को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या क्या रहता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर है। जैसे आपको सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सी है, एंड उसके बाद प्लेट जो है वो वर्ब है, वो सेकेंड फॉर्म में है, प्लेट है मतलब पास्ट वाला वर्ब है, इसको हम वी टू भी कहलाते हैं और पास्ट फॉर्म भी कहलाते हैं। और बाद में बास्केटबॉल जो है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसी तरीके से दे वॉच्ड अ मूवी, वे मूवी देखे, ठीक है। इस तरीके से ये आपका एक सिंपल पास्ट टेंस का एक स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स की ओर, को हम ये कंजुगेशन भी कहलाता है, ठीक है। तो इसका एक स्ट्रक्चर रहता है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव मीन्स एक पॉजिटिव भी कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को आंसर के फॉर्म में बोलते हैं उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं, वो ये पॉजिटिव में रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस डिड वाज वर प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी रहता है। और ये अफर्मेटिव तीन तरीके से बनता है, ठीक है। एक डिड लकर बनता है, एक वाज लकर बनता है और एक वर लकर बनता है। जो पहला डिड वाला देखिए कि डिड तो यहाँ पर नहीं है लेकिन हम डिड भी लगा सकते हैं, ठीक है। डिड ज़्यादातर अफर्मेटिव में हिरन रहते हैं, ठीक है ना। हम इसको लगाएंगे तो एम्फेसिस करने के लिए लगाते हैं हम जब डिड लगाते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में डिड नहीं लगा रहे लेकिन ये डिड वाला फॉर्म है। जो फर्स्ट डिड वाला स्ट्रक्चर है, यू फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, आपने रात्रि के भोजन से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, इस तरीके से हम बता
बताने के लिए, पास्ट में चीजों को बताने के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस वॉश लॉकर भी बनते हैं। सी वॉज हैप्पी टू सी हर फ्रेंड्स एट द पार्टी, वॉश लॉकर बना है, सब्जेक्ट प्लस वॉश लॉकर बना है, मतलब है वो पार्टी में अपने दोस्तों को देखकर खुश हुई पास्ट में। और एक और है, वी वर एबल टू अटेंड द मीटिंग, हम सभा में भाग लेने के लिए सक्षम थे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर है नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस डिड वॉज वर प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के साथ हम डिड भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ वॉज भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर भी लगा सकते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें देखना पड़ता है। ठीक है, वॉज वर के लिए हमें सब्जेक्ट के हिसाब से देखना पड़ता है, ना नहीं का जो एक बोध होता है उसे हम नेगेटिव कहते हैं। सो पहला डिड वाला स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर, यू डिड नॉट फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, और इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, यू डिडंट फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर। तो यहाँ पर ठीक है, ये डिडंट कंट्रैक्शन है, हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसका हिंदी रहता है, तुमने रात्रि भोजन से पहले अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। ठीक है, नहीं किया तो नॉट लगने की वजह से नहीं वाला सेंस आता है नेगेटिव में। और जब हम वॉश लगाकर बनाते हैं तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी हर फ्रेंड एट द पार्टी। ठीक है, और शी वॉजंट हैप्पी। ठीक है, यहाँ पर वॉज नॉट लगाएंगे तो वॉजंट लगा सकते हैं, ये कंट्रैक्शन है, वॉजंट हैप्पी टू सी हर फ्रेंड्स एट द पार्टी। तो इसका हिंदी होता है, वो पार्टी में अपने दोस्तों को देखकर खुश नहीं थी। ठीक है, ये वॉज लगकर बना है सेंटेंस। और वर लगकर भी ये नेगेटिव बन सकता है, और इसका स्ट्रक्चर रहता है, वी वर नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग ड्यू टू ट्रैफिक। ठीक है, और वी वॉन्ट एबल टू अटेंड द मीटिंग ड्यू टू ट्रैफिक। ठीक है, हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, ये कंट्रैक्शन है। तो इसका हिंदी रहता है, यातायात के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके, इट मीन्स ट्रैफिक के कारण से हम मीटिंग में अटेंड नहीं कर सके, वी वर नॉट एबल टू जॉइन द मीटिंग, वी आर नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग। इंटरोगेटिव, हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जो है उसको हम इंटरोगेटिव बनाने के लिए किस तरीके का स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। मेनली जो है इसमें डिड वॉज और वर आगे रहता है, और उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमें यूज़ करना होता है। सो सबसे पहले देखते हैं डिड लगकर, जब भी हम क्वेश्चन पूछने की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, डिड यू फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, क्या तुमने रात्रि भोजन से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, कर लिया, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड को यूज़ करेंगे तो किस तरीके से, इस तरीके से हम यूज़ करके क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। अब वॉज लगकर भी हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे वॉज शी हैप्पी टू सी हर फ्रेंड एट द पार्टी, क्या वो पार्टी में अपने दोस्तों को देखकर खुश थे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछने के लिए हम ऐसे स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और वर लगकर भी हम इससे क्वेश्चन अराइज करते हैं, वर वी एबल टू अटेंड द मीटिंग ड्यू टू ट्रैफिक, क्या हम यातायात के कारण बैठक में भाग लेने में सक्षम थे, पास्ट में थे। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, डिड से, वॉज से और वर से हम इंटरोगेटिव बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक और रहता है इसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में नेगेटिव बनाने के लिए भी हम इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हमें डिड वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, डिड यू नॉट फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, या तो हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, क्या तुमने रात्रि भोजन से पहले अपना गृह कार्य पूरा नहीं की थी। दूसरा वॉज लगकर भी हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, और वॉज सी नॉट हैप्पी टू सी हर फ्रेंड्स एट द पार्टी, और इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, वॉजंट सी करेंगे, अगर वॉज लगाकर नॉट लगाना है तो सी के बाद नॉट आएंगे। ठीक है, लेकिन हम कंट्रैक्शन यूज करेंगे, वॉजंट यूज करेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं होता है, वॉजंट में ही इसका मतलब आता है, वॉजंट सी हैप्पी टू सी हर फ्रेंड्स एट द पार्टी, क्या वो पार्टी में अपने दोस्तों को देखकर खुश नहीं थी। अगर इस तरीके का हमें क्वेश्चन पूछना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव का प्रयोग करना रहता है। आगे और देखिए, वर से भी हम वर नॉट से भी, वॉन्ट से भी, या वर नॉट बोलिए या वॉन्ट बोल सकते हैं, इससे भी हम क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और इसे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव कहलाता है। Weren't we able to attend the meeting due to traffic? Or were we not able to attend the meeting due to traffic? क्या हम यातायात के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। इस तरीके का क्वेश्चन पूछना है तो हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। तो यही था कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ जानने को मिला होगा आप लोगों को। तो वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी इस नॉलेज को शेयर करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।